कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस सोमवार को रोहतक में मनाया गया। कांग्रेस भवन के समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी का झंडा फहराया और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं की सलामी ली। इस दौरान संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डाला। रोहतक से हमारे संवाददाता, जरा आपने जिक्र किया कि आजादी के बाद से लेकर आजादी तक का सारा अपने इतिहास का जिक्र किया। कांग्रेस का इतिहास तो आजादी की लड़ाई से संबंधित है। जो महात्मा गांधी का नेतृत्व हुआ उससे पहले कांग्रेस से ही कांग्रेस की कुल 72 आदमियों द्वारा स्थापना की गई, एक सोच लेके कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जन अधिकार कैसे बने, और सोचते सोचते स्वराज मेरा अधिकार का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया और स्वराज हासिल किया लड़ाई से। इसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी और जेलों में रहे बहुत सारे लोगों को तो मालूम है, स्वतंत्र सेनानियों का बहुतों का तो पता ही नहीं कौन सा उनका गांव है, क्या नाम था, उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी की। आज भी यही है कि देश की आज़ादी कायम रहे और मजबूत रहे और उनका सपना पूरा किया जाए कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बिना वस्त्र के ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत के ना रहे, वो सपना हम मिलजुल कर पूरा करें। यही मेरे देश और खासकर रोहतक जो इलाका है पूरा हरियाणा में, उसमें बड़ा भारी योगदान है। और यहाँ पर जो रोहतक में लाल लाजपत राय का बचपन यहीं गुजरा और यहाँ पे महात्मा गांधी भी आए और बड़े से बड़ा नेता भी आया, सुभाष चंद्र बोस भी आए, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भी आए, स्वतंत्रता संग्राम में रहा। तो आज सब जो हैं इस बात से चिंतित हैं, तो देश